आधार कार्ड के जरिए बैंक खातों से नगद सब्सिडी लेने की सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को अगले साल 1 जनवरी से मिलना हो जाएगा शुरू। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि सरकार के 42 कल्याणकारी योजनाओं में से 29 योजनाओं के लिए नकद राशि आधार के जरिए खातों में भेजी जाएगी। यह योजना पहले 16 राज्यों के 51 जिलों में लागू की जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की आज आखिरी तारीख। कल तक जमा नामांकन पत्रों में से 1218 नामांकन पत्र पाए गए वैध। राज्य विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले दौर का 13 दिसंबर, दूसरे चरण का 17 दिसंबर को होगा। मतगणना होगी 20 दिसंबर को। हिंदी के एक समाचार चैनल के 2 वरिष्ठ पत्रकारों को अदालत में आज किया जाएगा पेश। सुधीर चौधरी और समीर आहलूवालिया को कांग्रेसी सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल से उगाही करने के आरोप में कल देर शाम किया गया था गिरफ्तार। इन दोनों पर उद्योगपति नवीन जिंदल के ग्रुप से 100 करोड़ रुपए मांगने का है आरोप। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मेडिकल कॉलेज में आज 4 बच्चों की मौत। शनिवार से यहां मरने वाले बच्चों की संख्या 27 पहुंची। अधीक्षक ने बताया ये सभी थे कुपोषण के शिकार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में सम्मान की खातिर एक नौजवान की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से मामले की मांगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे पर फेसबुक पर टिप्पणी मामले में 2 लड़कियों को गिरफ्तार करने वाले 2 पुलिसकर्मियों को कर दिया गया है निलंबित। इनमें थाने ग्रामीण के पुलिस प्रमुख भी शामिल। इन लड़कियों को हिरासत में भेजने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का भी हुआ तबादला। भारत सरकार ने मालदीव सरकार द्वारा भारतीय कंपनी GMR को वहां के माले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन का ठेका रद्द किए जाने संबंधी नोटिस पर जताई आपत्ति। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मालदीव सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम वहां पर विदेशी निवेश को करेगा हतोत्साहित। उड़ीसा में कंधमाल जिले में 2008 के दंगों के दौरान हुई हिंसा में शामिल 12 लोगों को एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 6 साल की कैद की सजा सुनाई। अहमदाबाद की एक अदालत ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के विशेष जांच टीम के फैसले के खिलाफ दायर जाकिया जाफरी की याचिका को किया खारिज। अदालत ने कहा कि जाकिया जाफरी ने निर्धारित समय के अंदर नहीं की याचिका दाखिल। आज है गुरु नानक देव की जयंती, जिसे प्रकाश पर्व के नाम से मनाया जाता है। आज ही के दिन कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को दीप मालाओं से सजाया गया। कई हिस्सों में प्रभात फेरियों समेत नगर कीर्तनों का आयोजन जारी। मिश्र में कल हजारों की संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में भिड़ंत। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों ने मुर्सी से राष्ट्रपति को अधिक शक्ति देने वाले नए आदेश को पूर्ण रूप से वापस लेने की मांग। इराक के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में कल विद्रोहियों के हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। इन हमलों में बगदाद में शिया मस्जिद को मुख्य निशाना बनाया गया। 3 मस्जिदों के नजदीक कार बमों में हुए धमाके में 21 लोग मारे गए। फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात की मौत की वजह जानने के लिए किया जाएगा उनके शव का परीक्षण। उनके शव को कब्र से निकालकर इस बात की जांच की जाएगी कि उन्हें जहर दिया गया था या नहीं।